देखो, पिछले कुछ सालों से मारुति सुजुकी इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर राज कर रही है और हर महीने मारुति सुजुकी 1 लाख के ऊपर कारें बेचती आ रही है। तो मारुति सुजुकी की कारों को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिलता है और उसके पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर मारुति सुजुकी ने काम किया है और उन्हीं फैक्टर की वजह से मारुति सुजुकी आज के डेट में इंडिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी बन चुकी है। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में मारुति सुजुकी बहुत सारे न्यू कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 अपकमिंग कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको अगले 1-2 महीनों के अंदर मारुति सुजुकी की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया जाना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत कर देना, एंड तक देखना, क्योंकि कुछ कारें ऐसी भी है जो कि सीधा टक्कर देने वाली है टाटा को, महिंद्रा को और हुंडई को। वो कौन सी कारें हैं, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। जो फर्स्ट पोजीशन पर कार आती है जिसको अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, वो है न्यू जनरेशन स्विफ्ट। स्विफ्ट को इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत सारे लोग इस कार के दीवाने हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में स्विफ्ट का काफी पावरफुल मॉडल बिकता है और ग्लोबल मार्केट वाला जो मॉडल है उस कार के अंदर आपको अच्छी खासी सेफ्टी मिल जाएगी, यानी उस वाले मॉडल को अच्छे खासी सेफ्टी रेटिंग्स मिले हैं। लेकिन जो इंडियन मॉडल है इसके अंदर आपको सेफ्टी ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन जो न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट रहेगी इसके अंदर काफी चेंजेस करे जाएंगे, जैसे कि इस कार का एक्सटीरियर अपडेट हो जाएगा, इंटीरियर में बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका इंजन अब काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। यहां पर मारुति सुजुकी इसके अंदर माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन देगी इंजन के साथ, जिस तरह से रिसेंटली विटारा को लॉन्च किया गया है, सिमिलर चीजें आपको यहां पर नई स्विफ्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है इस कार के अंदर सेफ्टी। मारुति सुजुकी ने अपनी कारों के सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जितने भी अपकमिंग कार हैं उनके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर इन चीजों को इंप्रूव करती है मारुति सुजुकी तो डेफिनेटली और भी ज्यादा सेल बढ़ जाएगा। और आज के डेट में इंडिया में बहुत सारी ऐसी कारें बिकती है जिनको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं और इन रियलिटी इन कारों ने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। तो मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी ने सेफ्टी को प्रायोरिटी देना चाहिए, उसके बाद माइलेज और बाकी चीजों को प्रायोरिटी देना चाहिए। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्विफ्ट का न्यू जनरेशन मॉडल अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और करंट मॉडल के मुकाबले इसकी प्राइस आपको स्लाइटली ज्यादा देखने को मिल जाएगी। जो सेकंड और थर्ड नंबर की कार्स आती है, इन दोनों ही कारों के अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट मिल जाएगा, वो है ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल और दूसरी है ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा को रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ और दोनों ही इंजन के साथ ये अच्छा खासा माइलेज दे देती है। लेकिन बहुत जल्दी ग्रैंड विटारा के अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ग्रैंड विटारा से पहले टोयोटा हाईराइडर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी सीएनजी किट के साथ, उसके बाद ग्रैंड विटारा का सीएनजी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। और टोयोटा ने ये क्लेम किया था कि हाईराइडर सीएनजी किट के साथ लगभग 26.10 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देगी, यानी 26 के ऊपर आपको सीएनजी किट के साथ माइलेज मिलने वाला है हाईराइडर के अंदर। तो सेम माइलेज यहां पर आपको विटारा के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। मारुति सुजुकी की ब्रेजा इंडिया की पहली ऐसी एसयूवी कार बनेगी जिसके अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिलने वाला है। रिसेंटली मारुति सुजुकी ने ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया था जिसको काफी बेहतरीन तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और ब्रेजा के फेसलिफ्ट मॉडल के ऊपर आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस कार की डिमांड अच्छी खासी बढ़ चुकी है और कार सेल्स रिपोर्ट में ये नंबर 1 पोजीशन पर आई थी, उसके बाद ये 3rd पोजीशन पर जा चुकी है। तो इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रेजा के फेसलिफ्ट मॉडल की डिमांड अच्छी खासी बढ़ चुकी है। ग्रैंड विटारा के सीएनजी मॉडल के साथ आपको लगभग 26 का माइलेज मिलेगा, लेकिन ब्रेजा के सीएनजी मॉडल के साथ लगभग 28 से लेकर 30 किलोमीटर पर केजी का आपको माइलेज मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड माइलेज बताया जा रहा है, इन रियलिटी माइलेज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और माइलेज आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। और सीएनजी मॉडल की कीमत लगभग 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल मॉडल। लेकिन जो 4th नंबर की कार आती है जो कि लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली बहुत सारी कारों को टक्कर देने वाली है और बहुत सारी कार कंपनियों के होश उड़ा देने वाली है, वो है बलेनो क्रॉस। ये बलेनो का अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, यानी आपको बलेनो एसयूवी फॉर्मेट के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी और रिसेंटली इसको टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया जा चुका है। और मारुति सुजुकी बलेनो का एसयूवी मॉडल ऑटो एक्सपो में शोकेस करेगी, लाइक जनवरी के महीने में ऑटो एक्सपो होने वाला है दिल्ली में, वहां पर इसको शोकेस किया जाएगा। और अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो इसके डायमेंशन के अंदर चेंजेस करे जाएंगे, जैसे कि इसके लेंथ, वेथ और हाइट आपको थोड़ी सी अलग देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू बलेनो हैचबैक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी हाइट
आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये एक एसयूवी कार होने वाली है। और डायमेंशंस के अलावा इस कार के एक्सटीरियर में मारुति सुजुकी चेंजेस कर सकती है, इसका फ्रंट का फीशा अपडेट कर सकती है न्यू लुक के लिए, रियर के फीशा में आपको नए एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, और इंटीरियर में भी मारुति सुजुकी अच्छा खासा काम कर सकती है। शायद इंटीरियर बलेनो जैसा या फिर ब्रेजा जैसा रख सकती है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस कार के अंदर आपको बलेनो वाला ही इंजन स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है। और इस कार की कीमत 8 या फिर 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। आपके हिसाब से इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो लास्ट कार आती है यानी जो 5th नंबर की कार आती है, जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, वो है जिम्नी। हालांकि जिम्नी ग्लोबल मार्केट में बिक रही है, लेकिन मारुति सुजुकी बहुत जल्दी इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, और ये सीधा टक्कर देगी थार को, इसके अलावा फोर्स की गुरखा को। आज के डेट में इस सेगमेंट के अंदर थार राज कर रही है, थार को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन थार को टक्कर देने के लिए मारुति सुजुकी जिम्नी को इंडियन मार्केट में उतारने वाली है। अगले महीने इस कार को लॉन्च किया जा सकता है, और इस कार की कीमत 9 या फिर 10 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिम्नी के अंदर आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, और ये कार 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आ जाएगी, यानी इसके बेस मॉडल से ही आपको 4 व्हील ड्राइव का सिस्टम मिलने वाला है, क्योंकि ये ऑफ रोडर कम एसयूवी कार होने वाली है, जिस तरह से थार है, सेम कैटेगरी के अंदर जिम्नी इंडियन मार्केट में उतरने वाली है। तो यहाँ पर ये 5 कारें थी जिनको मारुति सुजुकी अगले 2-3 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च कर सकती है। हालांकि ग्रैंड विटारा के सीएनजी मॉडल को लॉन्च होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन विटारा के सीएनजी मॉडल से पहले ब्रेजा का सीएनजी मॉडल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी ने सेफ्टी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर मारुति सुजुकी अपनी कारों की बिल्ड क्वालिटी बढ़ा देती है, तो डेफिनेटली मारुति सुजुकी का सेल और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।